टैक्स में लगाए जाने की मांग कर रहे कलाकारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। छत्तीसगढ़ी कलाकार अंबुजा मॉल स्थित मल्टीप्लेक्स के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। कलाकारों को सेंट्रल जेल भेज दिया गया है। हालांकि गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के निर्देश पर कलाकारों को रिहा किया गया, तो दूसरी तरफ एसोसिएशन ने छत्तीसगढ़ी फिल्में मल्टीप्लेक्स में लगाने से इनकार कर दिया। वहीं प्रदर्शनकारियों से खास बातचीत की है स्वराज संवाददाता सत्या राजपूत ने। कारण आज छत्तीसगढ़ फिल्म एसोसिएशन द्वारा सभी मल्टीप्लेक्सों में एक दिवसीय धरना दिया गया था और इनके द्वारा गिरफ्तारी भी दी गई है। इनको गिरफ्तार करके जेल परिसर लाया गया है, जिनकी संख्या करीब 265 है और इनका भी एक डेलीगेशन माननीय गृह मंत्री के साथ लोग चर्चा भी किए हैं और जो भी निर्णय होगा शासन स्तर पर उसके बाद आगे कार्रवाई की। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ के लोक कलाकार अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि उनकी मूवी मल्टीप्लेक्स में लगे, इस कारण वो आज धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी गिरफ्तारी भी हुई, आज वो संस्कृति मंत्री के बंगले पे भी पहुंचे हैं। आइए उनसे जानते हैं क्या कुछ मांग है आपका और ये दो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उसके पीछे का कारण क्या है। हमारी छत्तीसगढ़ी फिल्म की मांग है, हमारे की मल्टीप्लेक्स वाला मन हमारे छत्तीसगढ़ी फिल्म नहीं लगाए, तो हमारी मांग है कि वो मन छत्तीसगढ़ी फिल्म लगाना चाहिए। छत्तीसगढ़ में मल्टीप्लेक्स चलते हैं, हमारे पास वैसे सिनेमा घर बहुत कम है, तो पुरजोर मांग है कि बिना कंडीशन बिना शर्त जैसे बाकी भाषा के फिल्म उमन लगाते, हिंदी लगाते, हॉलीवुड की फिल्म लगाते, मराठी लगाते, गुजराती बंगाली पंजाबी लगाते, वो इसने हमारे फिल्म घलो लगाए। जैसे कि आप लोग बता रहे हैं कि जो ये फिल्म नहीं लगाए जाते, लेकिन सभी जान रहे हैं कि नहीं लगाया जाता, क्या कारण बताते हैं इसके पीछे फिल्म न लगाने का? इसके पीछे उनके ये कारण उमन बोलते हैं कि आज छत्तीसगढ़ी ऑडियंस जिन रहे थे वो उखर पेप्सी और कोका कोला या पॉपकॉर्न ला नहीं खरीदे, एक से उमन के कैंटीन नहीं चला है, तो उमन ला नुकसान होते हैं, ऐसे उमन के कहीं ना है। अभी आप धरना प्रदर्शन करके यहाँ पे पहुंचे हैं, मंत्री जी से बातचीत हुई, क्या कुछ बातें हुई? मंत्री जी तो पहले ही इनिशिएटिव ले चुके हैं और कल एक बैठक भी है और बहुत पॉजिटिव है वो छत्तीसगढ़ी कल्चर ला लेकर के, फिल्म ला लेकर के, और वो बोले थे कि आगे कैबिनेट में करके हम बहुत जो भी नियम कानून से जो भी चीज हो पाई छत्तीसगढ़ी हित के लिए, छत्तीसगढ़ी फिल्म के लिए, छत्तीसगढ़ी लोक कलाकार के लिए, वो करे बरजात है। और कल एक मीटिंग है, वृहत मीटिंग है सभी कलाकार मन के साथ में, तो आप क्या चाहते हैं इस कलाकारों के प्रति क्या होना चाहिए, क्या नियम कानून बनना चाहिए? मैं चाहता हूँ ये हमारी मांग सरकार तुरंत से तुरंत माने। आज 600 लोगों ने 600 साढ़े 600 700 लोगों ने गिरफ्तारी दी है, अगर ये मांगे पूरी नहीं हुई तो प्रदेश में 6000 लोग आएंगे। हमारा आंदोलन जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। अभी आपने सुना तमाम छत्तीसगढ़ के कलाकार, प्रोड्यूसर, निर्देशक, तमाम तरह के कलाकार यहाँ मंत्री जी के बंगले पे पहुंचे हैं। उनका मांग था कि मल्टीप्लेक्स में छत्तीसगढ़ी फिल्म को रिलीज किया जाए, इसके तहत वो आज धरना प्रदर्शन कर रहे थे और मंत्री जी से मिले, तो वो मंत्री जी ने साफ दो टूक कहा है कि मैं पहले से संज्ञान ले चुका हूँ इस मामले पे और कल 6 तारीख को इसकी मीटिंग रखी गई है। सभी तमाम कलाकारों से चर्चा करके, एक एक घंटा चर्चा करने के बाद जो चर्चा में निकली बिंदु के आधार पर जो कुछ नियम कानून बनाया जाएगा उसके बाद कैबिनेट में प्रस्ताव करके नियम कानून के रूप में लाया जाएगा। कैमरामैन श्याम के साथ सत्या राजपूत, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। जेल से छूटने के बाद कलाकार